वेलकम, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टीव विद मी में। और अभी के अभी हम चर्चा करने वाले हैं कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आ रखी है असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। असिस्टेंट कमांडेंट का पद क्या होता है, ये एक अफसर रैंक की वैकेंसी है। इसमें आपको जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें आपको असिस्टेंट कमांडेंट बना दिया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेज में कोस्ट गार्ड के, ठीक है। अब ये कोस्ट गार्ड क्या होती है, तो बच्चों ये जो कोस्ट गार्ड होती है, हम आपको बता दें कोस्ट गार्ड COAST कोस्ट गार्ड। तो ये कोस्ट गार्ड क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा ITBP का नाम सुना होगा आपने, BSF का नाम सुना होगा, तो ये सारे क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो ऐसे ही हमारी कोस्ट गार्ड भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेज है। इसमें वैकेंसी आ रखी है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। 2019 से आपकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी, फिर आपको पद दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग वगैरह आपकी पूरी हो जाएगी। तो डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में क्या होने वाला है, कब फॉर्म निकले, कब खत्म होने वाले हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होने, उम्र क्या है आपकी, फॉर्म के पैसे कितने लगने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, हम इसमें ब्रीफली इसकी सारी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आ रखी है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2019 ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आप जो है ना जानना चाहते हैं तो इसके बारे में जो है ना आप डिटेल में देखने के लिए आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है उसे आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बनाई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के देखो तीन पोस्टों पर हैं, जनरल ड्यूटी पायलट, पायलट CPL। तो देखो ये जो एक ये वैकेंसी है इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी पायलट में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप फीमेल हैं तो आप इसके लिए पायलट CPL के लिए अप्लाई किया। और पायलट CPL क्या होता है, इसके लिए पहले से आपको पायलट का, कमर्शियल पायलट का डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट तो आप पायलट, कमर्शियल पायलट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों के लिए जो जनरल ड्यूटी, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप ग्रेजुएट हो, बहुत बढ़िया बात, बस आपका आप तैयारी कर लीजिए रिटन एग्जाम की और जो इसका PSB होता है उसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क के साथ में विथ ऑल सेमेस्टर में। तो जनरल ड्यूटी के लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर होना चाहिए 60% मार्क के साथ में ऑल सेमेस्टर, मतलब टोटल आपके 60% मार्क हो। पुरुष इसके लिए अप्लाई करते हैं, उम्र आपकी इनके बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा उम्र का खास ध्यान रखिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ के बीच में, इन दोनों डेट के बीच में अगर फंस रही तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देखिए पायलट के लिए क्या चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने कक्षा 12 में ले रखी हो और आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो 60% मार्क के साथ में, तो आप जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ये लोग खुद ही पायलट के बारे में बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे और आपको पायलट बनाएंगे। लेकिन पायलट CPL के क्या होनी चाहिए, आपको पहले से लाइसेंस होना चाहिए तब आप किसके लिए अप्लाई कर पाओगे। डेट्स की बात करें तो अगर आप जनरल ड्यूटी पायलट बनना चाहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में होनी चाहिए, अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो, पायलट CPL बनना चाहते हो, तो आपकी उम्र सीमा इन दोनों डेटों के बीच में पड़नी चाहिए। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा कर लें। फॉर्म शुरू 18 तारीख से, 18 नवंबर से फॉर्म शुरू, 18 नवंबर से। आज कितनी डेट है, आज 3 नवंबर, तो आज के 15 दिन बाद आपके ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 18 तारीख से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। आगे देखिए लास्ट डेट क्या है, 30/11, मतलब कि 30 नवंबर। ज़्यादा दिन इन्होंने नहीं दिए, 18 को शुरू किया, 30 को खत्म कर दिया, 15 दिन भी नहीं दिए आपको, तो आप लास्ट डेट का इंतजार कतई मत करिए, क्योंकि कई सारा ट्रैफिक हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, डाउन हो जाती है, आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आपके कभी पैसे डिडक्ट नहीं हो पाते, आपकी कहीं कुछ चीज़ रह जाती है, इन सब चीज़ों को आप अलग हटाइए, जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए और तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना तैयारी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। हर छोटी छोटी जॉब में भी कंपटीशन हो गया, फिर ये तो एक अच्छे लेवल की जॉब है, ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। आगे देखिए लास्ट डेट फॉर्म का 30 वही है। एडमिट कार्ड 9 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आने लगे, 9 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आने लगेंगे, ठीक। एग्जाम डेट दिसंबर 2018 में, लास्ट में आपके एग्जाम वगैरह जो रिटन एग्जाम है वो लोग कंडक्ट करा लेंगे आपका, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भैया इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भैया क्या होती है PSB, कैसा क्या रिटन एग्जाम होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसा कट ऑफ होता है, आपकी जो SSB जो आपका पिक्चर पर सिस्टम टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो